अस्सलाम वालेकुम। तो भाई 2000 वाले इस कारवान को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पहुंच चुके हैं कराची के इलाके आयशा मंजिल पे, और यहाँ पर है हमारा माजिद एपिसोड नंबर 8। भाई तो एपिसोड नंबर 8 में हम लोग ये देखते हैं कि आयशा मंजिल से हम लोग 2000 रुपए में इस दौर में कितना कुछ खा भी सकते हैं। व्लॉग में हम लोग तकरीबन एक हफ्ता लेट हो गए, उसकी वजह ये थी कि यार माजिद के छोटे भाई के यहाँ जो है ना बेटे की पैदाइश हुई है। तो भाई सबसे पहले तो मुबारक हो भाई, वो हुआ असल में नॉर्मल नहीं हुई, सीजर के साथ हुआ है। तो आपको पता है ऑपरेशन हुआ है यार, ऑपरेशन हुआ है। तो भाई उसमें जाहिर बात है परेशानियां मसरूफियात ज्यादा हो जाती है, ये वो। तो उसमें माजिद मसरूफ था और एक दो छोटे मोटे और भी काम थे तो उसमें मसरूफ थे। मैं चाह रहा था इसको जरा डेली व्लॉग में ले लेता इस सारे किस्से को, लेकिन डेली व्लॉग माजिद से पहले भी हम लोगों ने बनाया, वो वाला रिस्पॉन्स आपकी तरफ से आता नहीं है। आइए फिर अपने रिवायती अंदाज में चल के पहले आइटम का बंदोबस्त करें। हाँ तो माजिद, आयशा मंजिल का इम्तिहान सबसे पहले कहाँ से लिया जाए? यार यहाँ पे ना मुझे थोड़े से दमदार से चरगे नजर आ रहे हैं। चरगे सस्ते हो या महंगे खाने हो ये शुरू में? तो उठते ही चरगा, अबे चरगे में तो हमारा गेम तमाम हो जाएगा। सही है, हम कौन सा यार कोई 500 का बजट लेके, हमारे पास भी 2000 का बजट है। हम भी आधे अमीर है, आधे अमीर तो हम भी है यार। तो भाई ये चरगा हम लोग खाने वाले हैं पायनियर कबाब हाउस से। भाजी यहाँ पे चरगों के अलावा भी बहुत बाजार गर्म है यार। नहीं यार खाना चरगा ही है। ये दमदार से चरगे आ गए। अच्छा ये कुकड़ियाँ अपने पास पाली हुई है भाई? दमदार है यार, यार वाकई दमदार कुकड़ियाँ है। माजिद का सवाल सही है, खुद पाली है। तो इसमें से ये चरगा फुल ले लें या हाफ करें? यार फुल आप आओगे तुम? यार फुल खा तो लेंगे, लेकिन आगे भी और भी चीजें खानी होगी ना। फिर हाफ सही है ना यार? ये देखिए हाफ चरगे की प्रेजेंटेशन, साथ में गाजर और ये जो है ना हरी चटनी एक दी हुई है, और एक ये हरी मिर्च की चटनी अलहदा है, प्याज है, और हम लोगों ने एक अदद बड़ा सा पूरी पराठा मंगा लिया है। ये अभी ट्राई करते भाई पूरी पराठे के साथ। भाई ये चटनी बहुत ही ज्यादा तीखी है, मेरी तो भाई आंसू निकाल दिए अभी जो है ना उसके बगैर खाते हैं। भाई ये बहुत ज्यादा मिर्चों वाली, अगर तुम्हें पसंद है तो माजे तुम खा लेना। अभी जरा इसमें डिप करके खाते हैं। बाजोकात ऐसा होता है चरगा जो है ना कहीं कहीं से कच्चा रह जाता है, अगर उसको चक मारो ना उसकी आधी बोटी हड्डी में ही चिपकी हुई होती है। क्या होता है कच्चा होता है वो, हड्डी जो है ना बोटी उतरती नहीं है। इसके जो ऊपर मसाले लगाए गए हैं ना, बाकायदा जो ऑथेंटिक चरगे वाले मसाले होते हैं, चटपटा सा टच आ रहा है, और इन चटनियों के साथ थोड़ा सा और भी मज़ा आ रहा है इसका। अगर तो जो कोई स्पाइसी लवर है ना वो इस चटनी में लगा के लाजमी खाए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं लेकिन चटपटा और बहुत अच्छा है। तो भाई ये हाफ चिकन चरगा हमारे ले गया है। 1600 रुपए का रेट होता है, 12 रबीउल की वजह से 1200 में लगाया हुआ है ऑफर में। अच्छा 1200 रुपए का फुल, वैसे 1600 का होता है तो और हाफ कितने का है? हाफ 700 रुपए का। अभी मैं तो समझ रहा था उस्ताद सही बजट में फंस जाएगा। तो वैसे यार चरगा मिलता है हाफ 900 रुपए, नहीं तो भी कम से कम 800 रुपए, बिल्कुल कम से कम भाई 800-900 तो नॉर्मल। अगर किसी अच्छी जगह पे चले आओ तो ये 1050 को भी बहुत ज्यादा हाफ चरगा। तो भाई हम लोगों ने एक साथ में लिया पूरी पराठा, वो था 90 रुपए का। तो इस तरह टोटल हमारे हो गए 790 रुपए पहले दमदार से चरगे में। तो अब पीछे हमारे पर रह गए 1210 रुपए। तुम मुझे मांसाहारी कह रहे थे ना, तो मांसाहारियों की तरह ऐसे मांस नोचते हो। अभी मैं तुम्हें जो ना शाकाहारी बन के दिखाता हूँ। क्या मतलब शाकाहारी? तो थोड़ा सा जो ना वेज खा लेते हैं आप लोग। सही है, आ जाओ। तो फिर वेज में मैं तुम्हें खिलाता हूँ, आज डोसा खिलाता हूँ मैं तुम्हें। डोसा खाए बड़ा टाइम हो गया, क्या ख्याल है? डोसे को एक अर्सा गुजर गया। हाँ चलो आओ। और ये डोसा हम लोग खाने वाले हैं डोसा वाला के फूड कार्ट से। वालेकुम अस्सलाम। आपने डोसा खा लिया यहाँ का? अरे भाई बहुत ही लजीज डोसा होता है यहाँ का। जी हाँ, मतलब आपको पसंद है, वैसे भी खाती रहती है आप? फर्स्ट टाइम ही है? नहीं एक्चुअली हमारे एरिया में भी एरिया ब्लॉक 14 के, कौन सा ब्लॉक है ये? ब्लॉक 14 में पहली दफा इंट्रोड्यूस कराया है इन्होंने, बैठक के सामने है। जी, तो जी, बिल्कुल। जी जी बैठक के सामने है। तो मैं तो देखें जब हॉस्पिटल में एडमिट थी उसके बावजूद भी मैं इनका डोसा खाने आई हूँ और खाया, और बहुत लजीज इनका है। आप लोग अभी जाना, हमें तो हमारी जो एक्साइटमेंट है ना वो और ज्यादा बढ़ गई है कि आप जल्दी से हम लोग भी खाएं इस डोसे को और हम चेक करें। दिस इज मोहम्मद साकिब फ्रॉम डोसा वाला। यार मेरे पास डोसे की बहुत वास्ट रेंज है, ट्रेडिशनल मसाला डोसा, मसाला चीज, चिकन, चिकन चीज, बीफ, बीफ चीज, कंग फू डोसा, पिज्जा डोसा, पेपर डोसा, एग डोसा, एग एंड चीज डोसा। हमें कौन सा डोसा खाना चाहिए, कौन सा खिलाएंगे आप हमें? यार दोस्त मेरा मशवरा है कि जब किसी नई चीज को ट्राई करने जाते हैं ना तो जो ट्रेडिशनल, जो उसकी ओरिजिनलिटी है जी जी, वहाँ से शुरुआत की जाए। ये तो मेरा मशवरा तो ये है कि आप लोग मसाला डोसा खाएं जो पूरी इंडिया में पूरी दुनिया में मशहूर है। खाते हैं बल्कि घर में बच्चों के लिए पार्सल की पैक करवा के लेके जाओ। आते भाई
अच्छा ये क्या डाला है अभी आपने? ये पीनट है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अच्छा मूंगफली इसके आलू में डालते हैं। सही है, हम अलग से इसके डालते हैं तो क्या क्रंची फील ज्यादा अच्छा होता है। सही भाई, मूंगफली के बाद डाल दिए हैं हरा धनिया। तो जनाब ये आ गया हमारा मसाला डोसा, और आपको पता है भाई डोसे के साथ ये कोकोनट की चटनी और सांभर तो लाजमी मिलता ही मिलता है, आपको पता है। यार वाकई डोसे और भी खाएं, इसका जरा यूनिक सा टेस्ट है। और कमाल बात जो है ना, इसकी कोकोनट की चटनी और ये सांभर जो है, अरड़ की दाल इसके अंदर डलती है जो कि दालों में सबसे महंगी होती है, और सुहांजना भी इसके अंदर डलता है जो कि आपके जोड़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ये इन दो अहम चीज़ों से ये जो है ना सांभर बनता है। ये बादराबाद में भी खाया है, लेकिन यार एक बात बताऊँ, ऐसा मजा नहीं दिया मुझे। छोटे यार वाकई इसको खुद खिला लें, वो नहीं तो जाया कर देगा भाई। हमने जाना अभी आगे और भी चीजें और बहुत सी खानी है। आयशा मंजिल पर हमारे सब्सक्राइबर मिल गए और बड़े ही जाना जबरदस्त इंसान है, क्या ना फहद भाई ने वो दूर से देखा है आ गए। और भाई मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ, अभी आपकी हर वीडियो लाइक करता हूँ सर आपकी, और सारी जगह जहाँ आप लोग जाते हैं बहुत अच्छा लगता है, पूरी तरह से सब्सक्राइब करते हैं बहुत अच्छा लगता है सर, और हर जगह जाएं हर जगह की क्वालिटी बताएं आप, लो है अपर है जो भी है सर, बहुत अच्छे व्लॉग करते हैं, ऑल द बेस्ट सर, बहुत। और आज जो है ना हम लोग 2000 लेके आपके एरिया में आ चुके हैं भाई, अभी देखते हैं आपके एरिया में हम लोग क्या क्या खाते हैं 2000। बहुत कुछ खाएंगे सर इंशाल्लाह। अच्छा ये डोसा कितने ले गए हमारे भाई? ये हमारा स्मॉल डोसा था जो कि हमारे ले गया 300 रुपए। वैसा डोसा तुम्हें कैसा लगा? मजा आया, जो मजा आया ना एंजॉय किया मैंने, एंजॉय किया। तुम्हारे इस मजे को जो है ना मल्टीप्लाई बाय 2 करने के लिए आओ मैं तुम्हें एक और चीज खिलाता हूँ भाई। जायके तो हम लेते रहेंगे, मुझे ये तो बताओ हमारा बचे कितने हैं बाकी? भाई इस हिसाब से तुम्हारे पास बचे हैं 910 रुपए। मैं तुम्हें सुपर बर्गर से अंडे वाला बर्गर खिलाता हूँ। अबे यार अंडे वाला बर्गर, इससे अच्छा कुछ और खा लेते हैं यार। अरे नहीं यार, इसके उम्दा जायके होते हैं और बड़ा स्पेशल है ये, एक लेयर वाला नहीं है ये भाई, डबल लेयर वाला बर्गर होता है, डबल लेयर वाला होता है ये, जरा स्पेशल होता है। चलो ये लगवाते हैं, पहली लेयर में आ गया है शामी, उसके बाद दूसरी पे ये कौन सा, ये क्या लगा रहे हैं आप? ये मायो लगाते हैं। मायो लगाते हैं, मायो के बाद खीरा सर, खीरा सर। चलो भाई ये आ चुका है हमारा डबल लेयर अंडे वाला बर्गर। जैसे तुमने जायके कहे थे ना, हाँ उसके जायके वैसे ही है ना। इसकी वजह ये कि इसका जो वो है ना शामी जो है, इसका जो कबाब है उसके अंदर टेस्ट है, वो बनते वक्त की खुशबू जो है ना उठ रही थी, तो उससे ही अंदाजा हो रहा था कि भाई हाँ, उसी वक्त मुझे अंदाजा हो रहा था कि इसकी शामी जो है ना कमाल टेस्ट होगा। और भी आगे चीज़ें खानी है तो हमें पेट में जगह रखनी है, तो इसी वजह से बाकी आधा हिस्सा जो है ना। हाँ भाई ये बर्गर हमारे कितने ले गए भाई? ये था हम लोगों ने खाया अंडे वाला, वो था 150 रुपए का, ठीक है, और सादा था इनके पास 100 रुपए का। अच्छा तो भाई इस हिसाब से टोटल हमारे हो गए 1240, और पीछे कितने रह गए हैं? पीछे हमारे पास 760 रुपए, 760 रुपए अभी भी जान बाकी है। और मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है तकरीबन 4 से 5 चीजें हो जाएंगी अभी यहाँ पर, इंशाल्लाह होंगी लेकिन 4-5 कुछ पिला दो बस। अच्छा तो फिर क्या पियोगे फिर तुम माजी? और कुछ ऐसा पिला दो जिससे ना थोड़ा ऐसा करंट से लग जाए, बस करंट लग जाए तुम्हें, मैं बिजली का झटका लगवाता हूँ माजी सोडा स्ट्रीम से, तुम्हें जो ना मैं इलेक्ट्रिक लेमनेड पिलाता हूँ इलेक्ट्रिक, तुम्हें सही का करंट भी लगेगा। सबसे पहले लेमन आ गया भाई, उसके बाद ये आ गया मिंट, और उसके बाद ये आ गया है पहले ब्लूबेरी, उसके बाद सारे मेरे काम को मानते, उसके बाद लेमन कर रहे बस सही, वो जानते समझते कि भाई करंट लगा जाए। हाँ भाई करंट तो नहीं लगे, जस्ट आ गए, जस्ट करंट नहीं लगा यार, करंट लगना चाहिए दाना यार। अबे अबे इसको सच में करंट लग गया भाई, करंट देखो ना, एक बिजली वाले होते हैं और एक सोडा वाले करंट होते हैं, बिजली वाले भले ही ना लगे सोडा वाले करंट तो लगे ही है ना यार। जो अब ये इतने सस्ते में बिजली के करंट कहाँ से लगाएगा, 80 रुपए का तो यूनिट हो गया है। अरे यार क्या ख्याल है, 80 रुपए का एक यूनिट हो गया कराची वालों के लिए, बाकी शहरों में तो थोड़ा सस्ता रहता है यार, ये हमारे साथ जुल्म होता है। कराची जब भी बिजली महंगी होती है भाई, कराची वालों के लिए 5 रुपए यूनिट महंगा क्यों भाई? कराची वालों के लिए क्यों, बाकी पाकिस्तान वाले नहीं भरेंगे क्या? सारा हम लोगों ने ही जो है ना बेड़ा उठाया हुआ है कि हम ही बिजली के बिल भरते रहेंगे। अच्छा अच्छा इलेक्ट्रिक वाले आ रहे हैं, जज्बात कर दिया यार तुमने यार, बिजली की बात जान दिया ना, जज्बाती हो जाते हैं हम लोग यार। ठंडे हो जाओ, खैर हो, ठंडा ठंडा होता हूँ अभी। हाँ तो भाई ये बिजली का करंट हमारे कितने ले गया? ये जो हमें बिजली का करंट लगाया ना, ये लगाया 100 रुपए का, 100 रुपए का यूनिट लगाया हमारे को। तो इस हिसाब से टोटल हमारे हो गए, इस तरह हमारे टोटल होगा 1340 रुपए, ठीक है। पीछे रह गए हमारे पास कितने, 660 रुपए। हाँ तो सही, फिर अब क्या खिला रहे हो भाई? यार अब मैं तुम्हें खिला रहा था, एक बात सुनो,
जिंगर खाओगे या जिंगर रोल खाओगे ये बताओ। अबे यार बर्गर पहले खाया है, बर्गर पहले खाया है, जिंगर रोल चलेगा। और ये खाने हम लोग पहुंच गए माशाल्लाह बर्गर पे माजी। अबे ये तो बर्गर वाला है भाई। अरे तुम रुको तो सही यार, लिखा हुआ बर्गर यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा। फ्रायर के अंदर पराठे पक रहे हैं। हाँ यार पहली बार देख रहे हो माजी तुम फ्रायर के अंदर। उस दिन मैंने एक और चीज वहाँ पे गार्डन में नोट की कि वो फिंगर चिप्स के मशीन में वो जो ना पास्ता पकाने में पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे कहीं कहीं पे चलता है यार जवाब भाई, बिजनेस तो करना है ना, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, हमेशा जिंदाबाद। और ये आ गए भाई जिंगर के पीस। ये क्या आ गया भाई? मायो मायो। और ये चिली सॉस भाई। ये आ गया हमारे पास छोटे से फूड कार्ट का जिंगर रोल, और बिल्कुल गर्मा गर्म हमारे सामने तैयार। और साथ में इसके फ्राइज भी दे दिए, फ्राइज के साथ साथ जो है ना सॉस भी दे दिया है भाई। और ये सब हमें कितने का मिला ये जरा आपको टेस्ट करके बताते हैं भाई। ये देखें ना, आपके लिए हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। तो भाई इसी बात पे आप वीडियो को तब तक लाइक कर लो, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो साथ ही। जिंगर रोल तो आपने खाया होगा और आपको अंदाजा भी होगा कि इसका क्या टेस्ट होता है। अच्छा टेस्ट है इसके अंदर, जिंगर का पीस डला, सॉस डला और चिली सॉस वगैरह डला। लेकिन पता है इसकी कमाल बात क्या है जिंगर रोल के अंदर? इसका रेट, और इसका रेट पता है क्या है? इसका रेट है टोटल 150 रुपये। और 150 रुपये के अंदर आपको जिंगर रोल भी मिला है, साथ में फ्राइज भी मिला है और अलग से सॉस भी मिला है। वरना आप कहीं अमूमन और जगह से खाओ तो जिंगर रोल इस वक्त कम से कम भी 200-220 रुपये का मिलता है। छोटे ये ले जाओ। नहीं बंगाली स्पीकिंग हो? हाँ। तो माजिद आप कितने बचे? यार आप हमारे पास बच गए 510 रुपये। हाँ तो माजिद आप क्या खाना चाहिए, क्या खाने का मूड हो रहा है? यार खाने का मूड तो चलो बना लेते हैं। मुझे एक चीज थोड़ा सा ना खुटका दे रही है। क्या? ये डंपलिंग और मोमो एक ही चीज होती है। ये डंपलिंग मोमो एक ही चीज होती है, क्या मतलब? ये कैसा सवाल है भाई? तुम इनडायरेक्टली ना बोलो, डायरेक्टली बोलो कि तुमने खाने हैं। यार खाने तो हैं, चलो बोल दिया खाने। तो यहाँ पर एक भाई बेच रहे हैं, ठीक है? मैंने फूड कार्ट देखा है, उन्हीं से चल के पूछ लेते हैं। सर इसके स्टफिंग एक ही लगते हैं तो इसकी शेप अलग होती थी। अच्छा शेप अलग होता है, बाकी मटेरियल भी वही, खाने में टेस्ट भी वही होता है? जी बिल्कुल वही होती है। कान को यहाँ से पकड़ो या यहाँ से, या खरबूजा छुरी पे या छुरी खरबूजे पे, बात वही होती है। तो चलो फिर माजिद का मूड हो रहा था खाने का, तो हम लोग पहुंच गए कहाँ पे भाई? मोमोज AKA डंपलिंग। ना ही आधा दर्जन खाने, ना ही एक दर्जन खाने, हमें थोड़े से कम खाने। तो आपके पास है ऑप्शन? जी बिल्कुल है, आप एक पीस भी खा सकते हो, 60 रुपीज की पड़ेंगे। एक पीस 60 रुपए का? बोले वाह, मतलब दो खाए तो 120, तीन खाए तो 180, 240, 300। तो हमारे लिए लगा दो तीन। दो मेरे एक तुम्हारा? दो मेरे एक तुम्हारा, नहीं नहीं दो मेरे, तीन का आंकड़ा ही खराब है। चलो डेढ़ कर लेंगे। ये है भाई वेजिटेबल और चिकन दोनों मिक्स है, लेकिन टेस्ट है भाई, नो डाउट। हाँ मैंने और भी जगह पे यहाँ पर मोमोज खाए हैं तो इतना कोई खास टेस्ट देते नहीं है, लेकिन इनके अंदर है भाई। लेकिन यार इसके अंदर थोड़ी सी सी फूड वाली महक क्यों आ रही है? उबला हुआ चिकन डाला हुआ था, उबला हुआ ना। अच्छा इसके अंदर कुछ मसाले इस तरह के हैं, वो उसकी वजह से, लेकिन मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप भाई कह रहे अपने हिसाब से जो है ना सॉस लगा के दे रहा हूँ मैं, और ये ट्राई करके देखो। हाँ तुम तो भाई थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, डिफरेंट हुआ, और उसमें वो सी फूड वाला नहीं आ रहा, कम हो गया अब थोड़ा। हाँ। कम हो गया। तो भाई ये तो तीन डंपलिंग्स हमारे बने हैं 180 रुपए के, पीछे हमारे पास रह गए माजिद 330 रुपए। 330 रुपए अभी भी रहते हैं। हाँ तो माजिद अब क्या खाना है यार ये बताओ? खाना तो चलो देख लेते हैं, लेकिन हम लोग आयशा मंजिल पे आए और हम लोग अभी तक दमथल पे नहीं गए भाई, कमेंट आ जाएंगे तुम्हारे पास में बता। अरे हाँ यार आयशा मंजिल वाले बोलेंगे तुमने दमथल से कुछ भी ट्राई नहीं किया। लेकिन बात यार दमथल पे तो सुबह के हिसाब से जो ना आइटम बड़े तगड़े होते हैं यार, जिस तरह हलवा पूरी वगैरह हो गई, कचौरियाँ हो गई। दमथल इतनी बड़ी बेकरी है, वो कहीं ना कुछ ना कुछ तो मिलेगा। चलो 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 एक जुगाड़ निकालते हैं, हम लोगों ने अभी तक मीठा नहीं खाया ना, तो चलते भाई दमथल से कुछ मीठे का जुगाड़ करते हैं। बात है भाई, आओ तो माजिद मैं तुम्हें मीठे में ना मीठे का बादशाह रसगुल्ला खिलाता हूँ। चलो भाई ये रहे रसगुल्ले, हुए हुए रस में जब ही तो घुले हुए हैं रसगुल्ले। दमथल क्या चीज है? दमथल का मतलब क्या है भैया? दमथल एक गाँव है, दमथल नाम का एक गांव है जी जी। तो उसी गांव के नाम से ये बस इसका भी नाम रख दिया। ये कहां पर है गांव? ये पंजाब में, पता नहीं ये कहां। ये रहे माजी दमथल के रसगुल्ले, दो बंदे हैं तो मैंने ले लिए हैं दो रसगुल्ले। और ये ऊपर जो है ना ये देखो पानी,
सबसे पहले तो यार ये मैं पानी चेक करना चाह रहा कि ये किस तरह का है ना, इसका वो मीठा है। मीठा मीठा पानी जिस तरह हम लोग संदल पीते हैं ना अक्सर, है ना। चलो एक बात, मैंने रसगुल्ले आज तक सुने वो गुलाब जामुन के रसगुल्ले हम लोग बोलते हैं, ये तो नहीं कर यार। असल में ये थे हम लोग तो वैसे ही जिस तरह वो होता है ना चमचम हो गया या जिस तरह आपकी वो रसमलाई हो गई, रसमलाई इन दोनों के जैसा टेस्ट है भाई। रसमलाई हम लोग चमचम या वो रसमलाई खाते हैं वो बहुत ज्यादा मीठे होते हैं, ये इतने ज्यादा मीठे नहीं है। क्या ख्याल है, नॉर्मल है? हाँ तो सही, ये दो रसगुल्ले हमारे कितने ले गए भाई? भाई ये दो, एक रसगुल्ला था 95 रुपए का और दो रसगुल्ले हमारे ले गए 190 रुपए, पीछे रह गए हैं हमारे पास 140 रुपए। अब ये बताओ कि अब क्या खाना है? बहुत थक गया हूँ मैं, एक बात बताओ। हाँ अब बस बैठक पे बैठ के ना कड़क सी चाय पिला दो। बैठक पे बैठ के कड़क सी चाय? आए हाय हाय हाय। मटका चाय मिलेगी हमें? बिल्कुल मिलेगी ना, तो भाई एक दमदार सी मटका चाय लगा दो यार। ये क्या है? ये है भाई अदरक पाउडर, मेन चीज इसका जायका होता है मटके में। अच्छा अदरक पाउडर, अच्छा भाई अभी इसके अंदर ये आएगा इलायची पाउडर ये चन्नी में, ताकि इसका जायका सारा रस निकल जाएगा। ओए होए उसके बाद जाएगा सौंफ। बात है भाई, क्या बात है। ओहो ये तो सारा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। हाँ जबरदस्त, देखिए स्टार्टिंग में तो चाय थी सिंपल सी, बाद में जो इसके अंदर अदरक का पाउडर और उसके अलावा इलायची का पाउडर फिर वो सौंफ वगैरह, मुझे लग रहा है यूनानी दवाई भी हो गई है कसम से। ओए ओए ओए। और मटके के बाद देखो ना, मटके का जो बर्तन है उसका एक अपना टेस्ट भी चीज़ के अंदर शामिल हो जाता है, वो बात भी अलग है यार। कसम से दिमाग की बत्तियां खोल रही है ये चाय। ये चाय तुम किसी बुजुर्गों को पिलाओगे ना ये इसके शदाई हो जाएंगे, क्योंकि आजकल के जो है ना मम्मी डैडी हम जैसे वो इन चीज़ों को नहीं समझते, लेकिन समझना चाहिए। ये मटका चाय थी पूरे 140 रुपए की, इस तरह हमारे पूरे के पूरे 2000 रुपए तमाम हो गए। आज की वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, नहीं आई पसंद तो शेयर करें। आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।